कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बेमौसम बरसात से किसानों पर टूटा पहाड़, बारिश ने किसानों को रुलाए खून के आंसू। आम आदमी पार्टी निकाय चुनावों को लेकर कर रही तैयारियां, अध्यक्ष और प्रभारियों को दी गई जिम्मेदारी। किसानों की महापंचायत हुई खत्म, किसानों ने सौंपा कृषि मंत्री को कर्ज माफी पत्र। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, खेड़ा को लखनऊ ट्रांसफर करने का दिया निर्देश। कानपुर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुपोषण को लेकर की गई पीसीपीसी में कई विभागों के अध्यक्ष हुए मौजूद। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर कानपुर से है, जहां आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। तो वही राजनीतिक दल अब जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिनाने का काम भी कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी बूथ स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूती देने का काम कर रही है, जिसके चलते पार्टी के प्रेस क्लब में वार्ता के माध्यम से कानपुर नगर के चुनाव प्रभारी वंशराज दुबे ने सभी विधानसभा प्रभारियों को नियुक्त किया है। वही पार्टी का कहना है कि वर्तमान सरकार सिर्फ जनता को बढ़ाने का काम कर रही है, युवा बेरोजगार है, सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार से अब जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है और इसी के चलते पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी ने 763 निकायों में 633 निकाय प्रभारी बनाने का काम किया है। लगातार कानपुर नगर निगम क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के हमारे पदाधिकारी भ्रमण कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो अपने मुद्दे पे जानी जाती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाई गई महापंचायत खत्म हो गई है। मोर्चे के 15 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। वही किसानों ने कृषि मंत्री को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, कर्ज माफी जैसे मांगों का पत्र सौंपा है। SKM ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उन्हें फिर आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। उधर SKM ने 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाई है। अब देखना होगा कि बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज 3 केस में खेड़ा को लखनऊ ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्हें 10 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा भी दी गई है। इस दौरान पवन खेड़ा नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। पवन खेड़ा पर यूपी असम में पीएम मोदी पर विवादित बयान देने के लिए 3 FIR भी दर्ज की गई है। लखनऊ ट्रांसफर करने का यह निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट से। खेड़ा को एक बेहद ही बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 17 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दे रखी है। खबर अलीगढ़ से है, जहां आम आदमी पार्टी के द्वारा निकाय चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए आम आदमी पार्टी के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा सभी सीटों पर जीत हासिल करने की बात भी कही गई है। 90 वार्ड है, तो 90 वार्डों के हमने अध्यक्ष बनाए हैं, पंचायत और पालिका के अंदर हमने प्रभारी बनाए, तो इस तरह से हम लोग कमर कस ली हम लोगों ने निकाय चुनावों को लेकर के। उसी सिलसिले में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अगले 15 दिन तक ये जो हमने अध्यक्ष और प्रभारी बनाए हैं, अगले 15 दिन तक ये लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे।
ये लोग लोगों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरह के यहाँ पे मुद्दे भ्रष्टाचार को लेकर आए दिन उठते रहते हैं, उस पर लोगों को ये जागरूक करेंगे भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के। और जो हाउस टैक्स है वो आपका हाफ होगा और वाटर अचानक मौसम का मिजाज बदलने से सभी जगह बारिश हो रही है। इस बारिश में किसानों की मेहनत पर भी पानी फिर गया है। आपको बता दें कि बेमौसम बरसात ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है, जहां क्षेत्रीय किसानों के खेतों में लहराती हुई फसलें बेमौसम बरसात के चलते जमीन में मिल गई हैं और किसानों को फसलें नष्ट होने से भारी खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। 70-75-80 तक नुकसान हुआ। आप देख रहे हैं ये गेहूं मेरे ही, अब बताओ जहाँ में का हिसाब में का बचा लेंगे, का कर लेंगे, मकान बनावें कि ब्याह शादी करें कि बालक ने पढ़ावे, का करें। अब आपसे गुजारिश यही है कि गवर्नमेंट हमें कोई कुछ मदद करे तो बढ़िया, नहीं कि हम तो मरी गई, कुछ मरमीस हमारी है हमारी तो। नुकसान कितने बीघा जमीन थी आपकी? हमारी 12 बीघा गेहूँ जी, 17-18 बीघा गेहूँ है। सब यही हाल है वो है जो मेरे हाथ में लग रहा है। देखो जी का हाल है, रोज हाल है, बेटी की शादी है, कैसे करूँगा बताओ। बैसाख को ब्याह हो इस लड़की को, बताओ हाल खराब है बिल्कुल करते ही। जो कुछ सुविधा मिल जाए वो बढ़िया है, और का सरकार की ओर से और का है। कितने भी मतलब कितने परसेंट खेती में नुकसान हुआ होगा? होगा मेरे अंदाज में 70-75% तो नुकसान है ही है। हाँ तो क्या मांग करते हैं? अब यही मांग करते हैं कि साहब जो कुछ मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें सुविधा मिल जाए तो हम बेटी बेटियों की शादी वादी अपने कर दें। ये किसान लोग सभी लोग बहुत परेशान है ज्यादा। मुख्यमंत्री की योजना के तहत औरैया जनपद में फिर एक बार जिला प्रशासन ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराया, जिसमें करीब 120 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ, जहां 3 मुस्लिम समाज की लड़कियों के विवाह के साथ साथ 117 हिंदू वर्ग की लड़कियों की शादी धूमधाम से कराई गई। इस दौरान इस विवाह में जिलाधिकारी सहित जिले के कई उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे, इसके साथ ही कन्याओं को आशीर्वाद दिया। साथ ही इस योजना में एक एक जोड़े के लिए 51,000 रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें 35,000 रुपए विवाहिता को नकदी के तौर पर दिए जाते हैं, बाकी का सामान दिया जाता है। वही जिलाधिकारी ने बताया कि इससे पहले जनपद में 600 से ज्यादा जोड़ों के विवाह संपन्न कराए जा चुके हैं। एक सौ पच्चीस का, जिसमें अब तक 2 बजे तक जो है 120 जोड़े आ गए हैं, तो 120 जोड़ों का विवाह हुआ, जिसमें 118 हिंदू परिवार और 117 हिंदू परिवार, 3 मुस्लिम परिवार हैं। और टोटल अगर चारों का मिला के करें तो अब तक हम 775 सामूहिक विवाह हमारे हो चुके हैं, जिसमें से 15 मुस्लिम परिवार हैं। अभी हमारा लक्ष्य में 100-150 की कमी रह गई, बस इससे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं। कोशिश करेंगे अगर 31 तारीख तक कुछ हमारे और रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं तो एक हम छोटा सा और कार्यक्रम कर लेंगे और लक्ष्य की 100% पूर्ति कर लेंगे। खबर हरदोई से है, जहां एक युवक ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वही संदिग्ध परिस्थितियों में गोली मारकर आत्महत्या करने से परिवार में हड़कंप मचा है। मृतक मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता था और घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। वहाँ के रहने वाले हैं रामवीर, उम्र करीब इनकी 35 वर्ष है। इन्होंने स्वयं को अवैध तमंचे से गोली मार के आत्महत्या कर ली है। इसके पीछे कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है और जांच करके जानकारी की जा रही है। पुलिस द्वारा इसमें पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेजा जा रहा है। कानपुर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि पिता ने अपनी नाबालिग बेटी का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया है, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। दरअसल आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात भी कबूल ली है। बताया जा रहा है कि बेटी के प्रेम संबंध से नाराज पिता ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक सूचना पुलिस के सामने आई, जिसमें एक श्याम बहादुर नाम के व्यक्ति ने अपनी ही पुत्री, जो कि उम्र में नाबालिग है, की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर छानबीन की तो यह सामने आया कि मामला ऑनर किलिंग से संबंधित लग रहा है।
अपनी ही पुत्री के किसी लड़के के साथ प्रेम संबंधों से क्षुब्ध होकर पिता जिनका नाम श्याम बहादुर है उन्होंने ही अपनी पुत्री की हत्या की है। मौके पर सभी साक्ष्यों का संकलन चल रहा है और उस का कातिल बन गया है। इस दौरान अवैध संबंधों के चलते एक पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वही पिता ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म को कबूल भी लिया है और साफ तौर पर कहा है कि बेटी से नाराज होकर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है और अब पुलिस आरोपी पिता को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट भी गई है। तो ये खबर हम कानपुर से आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पिता ने एक अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया, यानी कि एक पिता अपनी ही बेटी का कातिल बन गया। दरअसल प्रेम संबंधों के चलते पिता ने इस मौत की घटना को अंजाम दिया है। तो वही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में अब आगे भी जुट गई है। खबर रायबरेली से है, जहां बेखौफ चोरों ने दो घरों में धावा बोला और लाखों रुपए के सामान सहित 20,000 की नकदी पार कर फरार हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल की और पीड़ित ने बताया कि 1,25,000 का सामान और कई नकदी भी चोर उठा ले गए हैं। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बजे चोर कूदे हैं और हमारे कमरे में सेवनमारी का लाकर तोड़ के 20,000 रुपए, एक तोला सोना, 250 ग्राम चांदी। लगभग कितने का सामान गया होगा? लगभग मैं मान के चलिए कि 1,25,000 में। अच्छा, और नकदी कितना गई? 20,000। पुलिस को सूचना दिया? पुलिस को हमने 112 पे सूचना दिया था, वो आई है, इंक्वायरी करके चली गई। रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। इस दौरान चोरों ने एक चोरी की वारदात को घर में अंजाम दिया है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट भी गई है। वहीं रायबरेली में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है। इस बार ये बुलडोजर अतिक्रमणकारियों पर चला है। दरअसल शहरी क्षेत्र के सिविल लाइन से लेकर डिग्री कॉलेज तक व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा था। कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी जब इसे हटाया नहीं जा रहा था, तो लखनऊ प्रयागराज मुख्य मार्ग को जोड़ने वाले इस इलाके में हर दिन भयंकर जाम लगता था। इसी के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट और ईओ नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए अपनी निगरानी में बुलडोजर चलवाया है। खबर कानपुर से है, जहां जीएसवीएम कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहीं आयोजन में कई विभागों के अध्यक्ष भी मौजूद रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अति कुपोषित शिशुओं के उपचार में एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आईसीएमआर टीम द्वारा गांव-गांव जाकर लगभग 100 अति कुपोषित शिशुओं का पंजीकरण किया गया है, जिनमें से आधे अति कुपोषित शिशुओं को एंटीबायोटिक दवाई भी दी गई है, लेकिन कोई भी अंतर नहीं आया। इसके साथ ही कुपोषण को लेकर अब लोगों को जागरूक भी लगातार किया जा रहा है। 7-8% बच्चे हमारे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के हैं। इस तरीके से लगभग हमारे 1-1.5 करोड़ बच्चे अति कुपोषित हैं। WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से सभी बच्चों को, जो बच्चे कम्युनिटी लेवल पे होते हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन कम्युनिटी पे, उनको एंटीबायोटिक के साथ साथ सारा पुष्टाहार दिया जाता है। तो हम लोग, और दूसरी तरफ WHO कहती है कि एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप, कि एंटीबायोटिक बचाओ, एंटीबायोटिक का ओवरयूज रोको। तो जो अति कुपोषित बच्चे कम्युनिटी लेवल पे, जो कि हमें देखने से लगते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, उनको एंटीबायोटिक क्यों दी जाए, इसी को लेके हम लोगों ने रिसर्च किया और हमारी रिसर्च टीम में दिया है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, क्योंकि हमने स्मॉल स्केल पे थीसिस लेवल में ये काम किया था, जो कि एक रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिश हुआ है, इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स। इसका इम्पैक्ट फैक्टर 5.3 है और ये पबमेड में इंडेक्स जर्नल है, तो इसकी मान्यता है और इसने हमारे काम को सराहा है, मतलब ये काम सही माना गया है।
तो इसी बेसिस पे हमने ICMR में प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था। 50 लाख का प्रोजेक्ट हमको मिला, उसका सैंपल साइज 400 है। 400 बच्चों पे हम ये स्टडी करेंगे। कल्याणपुर ब्लॉक में ये स्टडी चल रही है, उसमें भी यही है कि हमने दो ग्रुप में बच्चों को डिवाइड किया है। जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं, जिसको हम सैम चाइल्ड कहते हैं, सिवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, इसको तीन तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। पहला क्राइटेरिया है कि लंबाई के अनुपात में वजन जो है वो -3 स्टैंडर्ड डिविएशन से अगर कम है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, कुपोषण को लेकर जो प्रेस वार्ता की गई है, उसमें क्या कुछ जानकारियां लोगों से साझा की गई? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस हिसाब से जो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कुपोषित होने के बाद गांव में थोड़ी साक्षरता का अभाव के चलते लोग उनको सीधे किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर को देखा जाता है कि डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाइयां चालू कर देते हैं। हालांकि एंटीबायोटिक दवाइयों से, जैसा कि आज डॉक्टरों का कहना है कि एंटीबायोटिक दवाई से कोई भी कुछ खास असर नहीं होता है। हाँ, यदि बच्चों की पोषण पे और उनके बच्चों के खाने पीने पे अगर विशेष ध्यान दिया जाए और जो खाने की जो क्षमता होती है प्रॉपर और उनको दिया जाए, तो कहीं ना कहीं एक एंटीबायोटिक की बिल्कुल अगर तुलना की जाए तो एंटीबायोटिक की अपेक्षा अच्छा खाना ज्यादा उनको फायदा करेगा। जिसके चलते कहीं ना कहीं जब इन्होंने दो टीम बनाई थी, उस दो टीम में 50-50 बच्चों को अलग किया गया था। 50 बच्चों को एंटीबायोटिक दवा दी गई थी और 50 बच्चों को अच्छा पोषण खाना दिया गया था। तो जो देखा रिजल्ट ये आया कि जो अच्छा खाना खाने वाले बच्चे थे वो जल्दी स्वस्थ हो गए एंटीबायोटिक दवाई खाने वाले बच्चों की अपेक्षा। तो कहीं ना कहीं धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरोहा में महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में टेक्निकल टूर के लिए छात्राओं का एक दल पहुंचा, जिसके बारे में जानकारी देते हुए कॉलेज के वाइस चेयरमैन नरेश गोयल ने बताया कि इस तरह के टेक्निकल टूर यहां आयोजित होते रहते हैं, जिसमें उन्हें इंजीनियरिंग की जानकारी दी जाती है। और यहाँ पे हम आपके बीटेक की शिक्षा देते हैं, बी फार्मा की देते हैं, डी फार्मा की देते हैं और अन्य ITI और भी कई तरह के कोर्स हम यहाँ चलाते हैं। पूरा टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के नाम से ये हमारा है और समय समय पर हम विभिन्न सेमिनार आयोजित करते रहते हैं और विभिन्न गोष्ठियाँ करते रहते हैं। और जैसे आज अभी आपने देखा, खबर सुल्तानपुर से है, जहां बेटे के कातिल को पकड़वाने के लिए एक फौजी पिता जिले कप्तान के कार्यालय के लगातार चक्कर लगा रहा है। जानकारी के मुताबिक बेटे के दोस्तों ने उसके बेटे की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया, जिसके बाद पिता ने तलाश की तो बेटे का शव नदी में मिला। वह सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाया और तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दो हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है, लेकिन मुख्य आरोपी को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। कप्तान ऑफिस आई है, इसलिए आए कि मेरे बेटे को जीव हत्या करें सानू छोटू मिलके, इसलिए उन लोग की गिरफ्तारी चाहिए, उनको पकड़े जाए, उनसे पूछताछ किया जाए। मेरा बेटा 24 घंटा सोनू सानू छोटू के साथ बाबू के साथ रहता था, मेरा बेटा गया कहाँ, उन लोग से पूछा जाए। मेरे बेटे को मारा कौन, इन लोग छोड़ सानू छोटू छोड़ और कोई नहीं मारा हमारे बेटे को। क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि इन लोगों को पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, हमारे बेटे हथियारों को उनको सजा दिलाया जाए, छोटू सानू बाबू को। हत्या कर दी थी कुछ आदमियों ने, उसी बारे में SP साहब से मिलने आया था मैं। तबरेज कौन था आपका? तबरेज मेरा बेटा था सर। घटना कब की थी, थाना कौन सा लगता है? घटना 5 फरवरी की है, रात की थी। हमारे घर से मेरा लड़का 7:30 बजे निकला बाहर, 3 आदमी आए, बोले सत्यम, आकाश और क्या कहते हैं धर्मराज, ये तीनों बोले चलो ताश खेलने चलते हैं नदी किनारे। तो लेके चले गए नदी किनारे ताश खेलने के लिए और लौट के मेरा लड़का आया नहीं। मेरा लड़का हमेशा बाबू जो प्रधान है, प्रधान प्रतिनिधि हैं। खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है, जहां छात्रों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले छात्र वाहिदुर्जमा के निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर मार्च निकाला। ये मार्च मौलाना आजाद लाइब्रेरी से बाबा सैयद गेट तक निकाला गया। इस दौरान कुलपति को संबोधित ज्ञापन भी प्रॉक्टर को सौंपा गया है। छात्रों ने इसके साथ ही कई अन्य मांगे भी की है, जिसमें कुलपति चयन को लेकर AMU में छात्र संघ और अमूटा के इलेक्ट्रेट रिप्रेजेंटेशन की भी मांग की है। बता दें कि AMU में कुलपति का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है, जिसके चयन की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है।
है कि स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को परेशानी आती है, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर, और प्रोफेसर हजरात जो है सुनते नहीं है स्टूडेंट्स की, जो जनरल स्टूडेंट्स हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, जो हमारे भाई हैं नॉन टीचिंग वाले, उनको जो है उनका सिलेक्शन कमेटी नहीं हुई है। हम चाहते हैं स्क्रीनिंग के थ्रू उनकी सिलेक्शन कमेटी हो। परेशान हैं, उनकी फैमिली हैं, उनके पूरे परिवार हैं। हमें बड़ा दुख है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से है और एम्प्लॉयों से भी है, प्रोफेसर से भी है, किसी एक से नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि हम इस यूनिवर्सिटी को एक ही इंसान जो है इसको लीड कर सकता है, ऐसा संभव भी नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है तो हम सब की वजह से है। हम अपनी बात रख ली है, जिसमें 4-5 चीज़ें हैं और उससे काफ़ी मौजूद है, आपने दे ही दिया है। वाइस चांसलर साहब को ये एड्रेस किया है, हम उनको इस मेमोरेंडम को उनके पास पहुंचा देंगे और उस पर जो भी डिसीजन होगा वो मतलब लड़कों तक पहुँच जाए। शुक्रिया। कानपुर में एमजी कैफे हुक्का बार में डॉक्टर दंपत्ति की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें कैफे संचालक और मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उस वारदात में जो लड़के शामिल थे उन पर मामूली कार्रवाई ही की गई है, जिसको लेकर अखिल भारतीय महिला जनवादी समिति के सदस्यों ने कमिश्नरेट ऑफिस में ज्ञापन देकर मांग की है कि ऐसा जघन्य अपराध करने वालों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आपको बता दें कि इस घटना पर नीलम तिवारी का क्या कुछ कहना है, चलिए वो भी अब आपको सुनाते हैं। हमारी ये सचिव हैं सुधा सिंह और हमारी ये संयुक्त मंत्री धनपति यादव। आज हम लोग एमजी कैफे हुक्का बार में जो डॉक्टर दंपति की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था 3 मार्च को, उसी विषय में आज एक ज्ञापन देने आए हैं। तो उसमें जो मुख्य आरोपी था और उस कैफे के संचालक का भाई, उसको तो पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसके बाद उसने जो अन्य अपने दोस्तों को उस लड़की को सौंप दिया था, उन्होंने भी उसके साथ मारपीट और बहुत ही मतलब जघन्य तरीके से उसके साथ दुष्कर्म किया, काटा, बाल नोचे और किस किस तरीके से, सब न्यूज़ में हम लोगों को सारी जानकारी मिली है। तो उसमें जो आरोपी थे उसमें से एक ने दूसरी धाराओं में जाके सरेंडर कर दिया कोर्ट में। देवरिया में सरस्वती पब्लिक स्कूल में बड़ी ही धूमधाम तरीके से वार्षिक उत्सव एवं स्वर्गीय गणेश दुबे जी की 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि के अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके साथ ही छात्राओं ने स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया और वही छात्राओं द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास पर नाटक भी प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, ताकि बच्चों का शैक्षिक हो, सामाजिक हो और हर तरीके का जो है विकास हो, उनको एक मंच पर खड़ा होने का अवसर मिले, ठीक है। और हम चाहेंगे कि बच्चे इसी तरीके के कार्यक्रम हमेशा करते रहें और आगे बढ़ें और उनका भविष्य उज्ज्वल हो। और सरस्वती पब्लिक स्कूल का एक और है बात, खास बात है विशेष, कि यहाँ पर जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कराए, चाहे वो बच्चे बस फेरता है या पढ़ता है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट का भविष्य देखे तो यहाँ के बच्चों में ही भविष्य निहित है, तो बहुत अच्छा लगता है और मैं बड़ा प्रेरित होकर जाता हूँ। अभी कुछ लोगों का मानना है कि आप राजनीति में आ चुके हैं, उतर चुके हैं, क्या करेंगे आप? देखिए, मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ, नेता हूँ, और मैं निष्ठा से अपनी पार्टी का यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ क्षेत्र में, और उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर यदि मुझे पार्टी समर्थन देती है, टिकट देती है और आगे चल के कुछ मुझे पद मिलता है, तो मैं चाहता हूँ कि इस देवरिया का सर्वांगीण विकास हो, जिसमें शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में हम लोग पहल करें। और उस कार्यक्रम जो हम अपने सरस्वती पब्लिक स्कूल में 12वीं और उसी को अपने पिताजी स्वर्गीय श्री गणेश दुबे और बड़े भ्राता श्री विनायक दुबे का तिथि मनाया जा रहा है, और मेरी यही हार्दिक कामना है कि मैं सरस्वती पब्लिक स्कूल में एक ऐसा हब दूँ जो पूरे दसैंस लाग में मिसाल कर, और मैं इसको बहुत बड़े मंच पर ले जाकर बहुत ही एजुकेशन का बहुत बड़ा हब देना।
डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने जिला अस्पताल आगरा का औचक निरीक्षण किया, वही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि अधीनस्थों को कड़े निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि गंदगी और टूटे फूटे प्लास्टर को लेकर डिप्टी सीएम ने नाराजगी जताई है। इसके साथ डिप्टी सीएम ने मरीजों से उनका हाल चाल भी जाना है। गंदगी सफाई पूरा एक सप्ताह में दुरुस्त करें और हम फिर किसी दिन आएंगे और बाकी किसी व्यवस्था अच्छी चल रही है। सर, यहाँ पर बहुत सारी कमियाँ, जैसे लिफ्ट आज ही खराब हुई है, उसका फ्लोर पर ऑफिसर्स है और दवाइयाँ प्रॉपरली नहीं मिलती हैं। मैंने अभी कहा है एक एक दवाइयाँ उपलब्ध रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लिफ्ट जो खराब हुई है, जो मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार संस्था है, उसको नोटिस दिया जा रहा, कार्रवाई होगी और हर स्थिति में बेहतर से बेहतर हम चिकित्सीय सुविधा। खबर रायबरेली से है, जहां अमावा ब्लॉक की पहरेमऊ ग्राम सभा में विकास कार्यों में गड़बड़ी की जांच अब पूरी नहीं हो सकी है, जिसको लेकर ग्रामीण लगातार उच्च अधिकारियों के कार्यालय के बाहर चक्कर काट रहे हैं। तो वही विभागीय अधिकारियों के साथ ही जिलाधिकारी से भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़े इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई अब तक सामने नहीं आई है। यहाँ आए अमृत सरोवर जाँच के लिए। क्या हुआ है अमृत सरोवर? इंटरलॉकिंग लगी, उसके नीचे मिट्टी नहीं, गिट्टी नहीं डाली गई है, ना ही मसाला। भ्रष्टाचार हुआ है। आप जांच करवाना चाहते हैं? जांच करवाना चाहते हैं। क्या कहा जिलाधिकारी? तीसरी बार मिल चुके, आश्वासन मिला है। तीसरी बार मिल चुकी और आश्वासन? आश्वासन, अभी तक कार्रवाई नहीं। अगर नहीं कार्रवाई होती तो क्या करेंगे आप? आगे फिर जाएंगे, देखते हैं, अधिकारियों से मिलेंगे। शाहजहाँपुर में लीड कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में वार्षिक सत्र 2022 और 23 का परीक्षा फल घोषित किया जा रहा था। वही कार्यक्रम को शुभारंभ निदेशक मोहम्मद जमाल और प्रिंसिपल तराना जमाल ने किया है, जिसके बाद उन्होंने कक्षा प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के परीक्षा फल घोषित किए हैं। गाजियाबाद में योगी राज में जहां एक तरफ सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है, लेकिन खोड़ा नगर पालिका परिषद में इसके विपरीत ही काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी के भवन के निर्माण को नगर पालिका नियमावली का हवाला देकर रुकवा देती है और निर्माण ना रुके तो उन पर मुकदमा भी दर्ज कराने से गुरेज नहीं करती है, लेकिन नगर पालिका अमीर और रसूखदार बिल्डरों के मकानों पर कोई रोक नहीं लगा पा रही है। खोड़ा के लोकप्रिय बिहार में ग्राउंड प्लस 3 के मानकों के विपरीत बिल्डर अफजाल की एक 5 मंजिला इमारत का ढांचा बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा वंदना विहार में ग्राउंड प्लस 3 के नियमों के विरुद्ध कई ऐसे इमारतों को तैयार किया जा चुका है या फिर तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे पीछे ही मंदिर, ये 4 मंजिल बना, इसको रोक दिया इन्होंने नगर पालिका ने। जब से यहाँ पे चेयरमैन हटे हैं, चेयरमैन साहब की पावर हटी है, तब से यहाँ पे अवैध अपनी मर्जी से काम हो रहा है। आप देखो, जहाँ पे निर्माण नहीं होना चाहिए वहाँ निर्माण हो रहा है। जो गरीब आदमी है, जो बेचारे 25 गज में अपना एक कमरा और बनाना चाहते हैं, ऊपर नहीं बना। अभी मैंने कविता पैलेस के पास आपको दिखाया, उन्होंने पीछे 2 कमरे बनाए, उसके 2 कमरों पर रोक लगा दी। लेकिन आप बिल्डर देखो, जैसे अफजल को देख लो, 33 नंबर वार्ड के अफजल को, उसने लगभग नहीं तो 10 से 15 बहुमंजिला इमारतें बनाई हैं। कैसे बना ली? अगर इन गरीबों पर रोक लग रहा तो उन पर क्यों रोक लग रहा है? यूं तो गाजियाबाद के नगर पालिका खोड़ा कॉलोनी बड़े बड़े दावे करती है, उस दावे की पोल खोलता आपको दिखा दूं, ये दूसरे पुस्ते का वो एक मकान है जो बहुमंजिला इमारत यहाँ पर बन रही है, आप देख सकते हैं। हालांकि G+3 का यहाँ पर एक प्रावधान किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं देख सकते हैं तस्वीरों में कि पहला मंजिल यानी कि ये ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी चौथा मंजिल जो है वो बनाना क्या बन चुका है, हालांकि पूरे रूप से वो बन चुका है, हालांकि उसके ऊपर भी तैयारी की जा रही है। कहीं ना कहीं जो मानक हैं, जो नगर पालिका के मानक बनाए गए थे, उन मानकों का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा है। जो यहाँ पर भवन स्वामी हैं, जो भवन अपने यहाँ निर्माण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद प्रशासन है उसको नाक चिढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें और थोड़ा आगे दिखाना चाहूँगा, हालांकि ये एक खबर चली थी, उसके बाद ये पूरा जो काम है उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक नगर पालिका की तरफ से कोई भी किसी तरह से कोई पुख्ता यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि ये देखिए मंजिला जो इमारत है, क्योंकि यहाँ पर और भी कई मकान हैं यहाँ पर, जो कि अगर ये बहुमंजिला इमारत किसी भी तरह से यहाँ से कोई भी इसका भाग गिर जाता है तो काफ़ी नुकसान होगा यहाँ पर पब्लिक को और ख़ास तौर पे जो यहाँ जनता रह रही है। हालांकि जो G+3 का जो नियम यहाँ पर लगाया गया था वो कहीं ना कहीं यहाँ की आबादी को देखते हुए लगाया गया था। जो यहाँ पर आबादी है, खासतौर पर लाखों की आबादी है,
आप देख सकते हैं तस्वीरें जो आपको मैंने दिखाई हैं, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये तस्वीरें हैं, ये बहुत ही भयावह तस्वीरें कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जो G+3 जो बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है उस पर अभी भी किसी तरीके का अमन नहीं लाया जा रहा है। हालांकि जो भवन स्वामी हैं लगातार इस तरह के निर्माण गाजियाबाद के नगरपालिका खोड़ा में लगातार कर भी रहे हैं और देखने को भी मिल रहे हैं। गाजियाबाद से प्राइम टीवी के लिए प्रवीण मिश्रा। यूपी की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।